गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे आई विल एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यस, प्रीवियस आई एक्सप्लेन हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ या क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। हैंड पिकिंग मीन्स, हैंड मीन्स हैंड मीन्स हाथ, पिकिंग माने निकालना, यानी जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे सेपरेशन करना है, स्मॉल क्वांटिटी में वो भी ये इजीली हम हैंड से पिक कर सकें, उसे हम हैंड पिकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल दाल एंड स्टोन्स बाय यूजिंग अ हैंड पिकिंग और सेपरेशन ऑफ स्टोन्स एंड दाल। एंड थ्रेसिंग, थ्रेसिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ क्रॉप या स्टॉक विथ सीड्स विच वी आर यूजिंग थ्रेसिंग। एंड विनोइंग मीन्स, विनोइंग दे सेपरेशन ऑफ सीड्स एंड हस, यानी जो भूसा होता है प्लस सीड्स, उन दोनों को अलग करना दे विद द हेल्प ऑफ विनोइंग। ठीक है, आपको पता ही, ऊपर दे बास्केट, बास्केट में लेके सेकिंग करते हुए हमें नीचे डालना है, जिससे क्या होगा, हस्क क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, सीड्स आर हैवियर पार्टिकल्स। हस्क रिमूव फ्रॉम द सीड्स वाय द हेल्प ऑफ एयर। नेक्स्ट सीविंग, सीविंग मीन्स एक छानना, यानी जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं या मोटे पार्टिकल्स होते हैं, पोर्स से जा नहीं सकते, उसे हम सीविंग करते हैं। जैसे मैंने आटे, आटे का बोला हुआ था, आटा को क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। प्लस पेबल्स इन सेडिमेंटेशन, सॉरी पेबल्स इन कंस्ट्रक्शन साइट। पेबल्स जानते हो, जब सीमेंट्स प्लस चंबल दोनों को मिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे हम पेबल्स के द्वारा क्या करते हैं, पेबल्स को क्या करते हैं, साइड करते हैं वाया यूजिंग ऑफ चलना। ठीक है, सीविंग, उसे भी हम क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया, चेक पॉइंट नंबर वन, पेज नंबर 46। दिस इज अ पेज नंबर 46, इसमें चेक पॉइंट नंबर वन दिया हुआ है, गिव रीजन, रीजन देने हैं आपको। टी ग्रेन्यूल्स आर सेपरेट फ्रॉम टी। ठीक है, टी ग्रेन्यूल्स हम सेपरेट क्यों करते हैं टी से, बिकॉज टी ग्रेन्यूल इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है, टी फॉर टी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, दे आर कैन सेपरेट फ्रॉम टी ग्रेन्यूल्स फ्रॉम टी। क्लियर, स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क आर सेपरेटेड फ्रॉम दाल ऑन राइस बिफोर कुकिंग। कुकिंग करने से पहले दाल और स्टोन को हम सेपरेट क्यों करते हैं, बिकॉज स्टोन्स इज हार्मफुल टू अस, हमारे लिए क्या होता है, स्टोन क्या होता है, हार्मफुल होता है, इसलिए हम स्टोन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ मेथड हैंड पिकिंग। ओके, पेबल्स आर सेपरेट फ्रॉम सैंड। येस्टरडे मैंने क्लास में बताया था, पेबल्स क्या होते हैं, जो छोटे मोटे मोटे स्टोन्स होते हैं जो हमारे चंबल में होते हैं, या मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम सेपरेट करते हैं सेंट से, सेंट प्लस सीमेंट मिक्स करने के बाद। क्यों, क्योंकि हमारे ये क्या है, प्रॉपरली हमारी ब्रिक को अटैचमेंट नहीं करते, इसलिए इन्हें हम सेपरेट करते हैं। क्योंकि आप जानते हो, सीमेंट प्लस चंबल क्या करते हैं, हमारे दो ब्रिक को जॉइंट करते हैं, अटैच करते हैं। जब पेबल्स होंगे वे प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, पेबल्स को सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ सीविंग। नेक्स्ट, नेम द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, आपको बताना है कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। पहला, अनकुक्ड दाल एंड राइस, अनकुक्ड दाल और राइस अगर मिक्स हो जाते हैं, दाल और राइस कुक होने से पहले, तो हम क्या, किसको यूज करेंगे, हमारे हैंड पिकिंग। ठीक है, सेकंड, ग्रेन सीड्स एंड स्टॉक, ग्रेन सीड्स और स्टॉक को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम स्टॉक से अलग करने के लिए कौन सा होता है, थ्रेसिंग। सेकंड मेथड इज यूज फॉर ग्रेन सीड्स एंड स्टॉक। थर्ड वन इज हस्क एंड ग्रेन्स, हस्क एंड ग्रेन्स, हस्क और ग्रेन हम किससे चेंज करेंगे, यानी हस्क मैंने हम लोग बताया ना भूसा, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विनोइंग। ठीक है, पेबल्स एंड सैंड ऑन कंस्ट्रक्शन साइड किसे यूज करेंगे, पेबल्स, सीविंग।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक्टिविटीज दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4 पेज नंबर 46। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड मेक अ दिस मिक्सर मिक्सर ऑफ सैंड इन वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है, एक में क्या डाल दिया हमने, मिक्सर डाल दिया सैंड और, एक मिनट में यहां आपको बता रहा हूं, एक्टिविटी नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या है, 3 हमने टेस्ट ट्यूब ली, वन टू एंड 3, ठीक है, 1 टेस्ट ट्यूब, 2 एंड 3। अब इसमें क्या किया है, मिक्सर ऑफ सैंड इन वाटर, इसमें क्या कर दिया है, सैंड प्लस वाटर, कंपोनेंट क्या है इसमें, सैंड अलग कंपोनेंट है, वाटर अलग कंपोनेंट है, ठीक है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, मिक्सर ऑफ राइस इन वाटर, राइस लिया, राइस विद वाटर, ठीक है, कंपोनेंट क्या है, राइस एंड वाटर, इसमें क्या डाल दिया हमने, राइस और वाटर, देन मिक्सर ऑफ दाल एंड वाटर, मिक्सर ऑफ दाल एंड वाटर, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द अबव मिक्सर, दीज आर द मिक्सर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड्स, ये इनमें कॉमन क्या बात है, ये क्या है, इनसॉल्युबल होते हैं, सैंड कभी सॉल्युबल मींस घुलती नहीं है, सैंड इनसॉल्युबल इन वाटर, राइस विद वाटर यानी राइस भी डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, दाल भी क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो हमें क्या करना है, इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, एक्टिविटीज में सबसे पहले ये हमें मिक्स कर दिया, तो हमें क्या करना है, सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं, क्या करते हैं, वेट करेंगे, वेट करने से क्या हमें मिलेगा, जो हमारा सैंड है, ठीक है, सैंड है जो हमारी मिट्टी है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, नीचे क्या हो जाएगी, सेडिमेंट हो जाएगी, यानी नीचे इकट्ठी हो जाएगी, राइस क्या होंगे हमारे, नीचे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, दाल हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। आफ्टर सम टाइम सैंड राइस दाल आर सेटल डाउन इन द बॉटम, यानी नीचे, बॉटम मींस नीचे, नीचे क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम दाल राइस एंड सैंड सेटल इन बॉटम, बॉटम में सेटल हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्लियर, इस एक्टिविटी थ्रू आपको समझ में आ रहा है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन देखिए, द सब्सटेंस दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड्स कॉल्ड सेडिमेंट, जो हमारा लिक्विड में सेटल होता है उसे वो क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ दिस डाउन ऑफ द सॉलिड एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, यानी हमारी इसमें सेडिमेंट की बात की जाए, सेडिमेंट क्या है हमारा, सेडिमेंट इसमें टेस्ट ट्यूब वन में क्या है हमारा, सैंड इज द सेडिमेंट, राइस इज द सेडिमेंट एंड दाल इज द सेडिमेंट। क्लियर, सेडिमेंट क्या है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन, ओके, सेडिमेंटेशन। क्लियर, अब आता है डिकेंटेशन, डिकेंटेशन देखिए, नाउ ट्राई टू सेपरेट द सैंड फ्रॉम वाटर बाय स्लोली टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब, द पोरिंग द वाटर इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट इन द वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंट डिकेंटेशन, ठीक है। हमने पहले क्या कर दिया, सेडिमेंट कर दिया, यानी सेटल हो गए हमारे, सेटल हो गए सैंड के पार्टिकल्स, राइस पार्टिकल्स एंड दाल पार्टिकल्स। अब क्या करें, जो हमारा वाटर है, वाटर को, यानी वाटर को क्या करें, जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेके वाटर, वाटर को क्या करें, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, पोर कर दें, डाल दें, यानी यहाँ तक हमारा क्या है, वाटर है, इसको लेके दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या करें, हम पोर कर दें,
ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा हमारा, वाटर मिल जाएगा। दिस इज अ डिकेंटेशन, दिस इज द डिकेंटेशन। ओके हैव इट क्लियर ना, ए आई विल रिपीट। जो हमारा बॉटम बॉटम में जो हमारा सेटल होता है उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, सेंड राइस एंड दाल आर द सेडिमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। क्लियर, अगर हम जो हमारा वाटर है उसे हम पोर आउट करें नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में या कहीं किसी और बाउल्स में, दे आर आर डिकेंटेशन। ठीक है, ये भी सेपरेशन का मेथड है, डिकेंटेशन। दिस इज अ डिकेंटेशन नंबर सिक्स। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन क्या करेंगे, ये भी क्या है, मेथड है सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल्स टेक अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ली हमने, उसमें क्या किया हमने, मिक्स कर दिया। ठीक है, सेंट क्या होती है, सेंट क्या होती है हमारी, सेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में हम मिक्स करते हैं तो उनमें व्हाइट पीपीटी आती है, छोटा सा, या चौक पाउडर मान लीजिए। ठीक है, चौक पाउडर भी क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता, ये भी पार्टिकल इसके भी बड़े होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जिसके पार्टिकल बहुत छोटे हों, ठीक है, वो सेडिमेंट ना हो, ये नीचे सेटल ना हो, तब हम उसे क्या यूज करेंगे, किस प्रोसेस को यूज करेंगे हम, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, बाय द यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर, बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर। टेक अनदर टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ली हमने, यहाँ क्या लगा दिया, फनल लिया, फनल फनल इसमें क्या कर दिया हमने, फनल लगा दिया टेस्ट ट्यूब में, यू नो फनल, लाइक अ फनल, दिस इज द फनल। ठीक है, इस तरीके से होती है फनल, दिस इज अ फनल, फनल हमने यूज किया इसमें। ठीक है, फनल आर यूज, देन फनल में क्या किया हमने, फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया, इस तरीके से फिल्टर पेपर लगा दिया। जब इसमें क्या था, जो हम पार्टिकल इसके बहुत छोटे थे, सॉलिड पार्टिकल बहुत माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम नेकेड कभी कभार नेकेड आई से भी नहीं दिखते हैं, यानी खाली आंखों से नहीं दिखते, तो उसे हम क्या करेंगे, उसमें फिल्टर पेपर लगाने के बाद ये इसको क्या कर दें, इसमें ड्रॉप कर दें, पूरे वाटर को इसमें डाल दें। धीरे 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 क्या होगा, वाटर होगा वो यहाँ सेटल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो पूरी प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे, वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेट ऑफ सब्सटेंस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट प्रॉपरली डिजॉल्व। ठीक है, द साइज सॉलिड पार्टिकल इज वेरी लेस, देन पोर इट दिस, देन सॉलिड पार्टिकल कलेक्ट इन फिल्टर पेपर, ओनली वाटर वाटर एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर प्रॉपरली। ठीक है, डिजॉल्व वाटर में जो हो चुके पार्टिकल्स वही नीचे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओके, दिस इज द फिल्ट्रेशन। अब आता है लोडिंग, एक आती है वर्ड लोडिंग, LOADING। ठीक है, आप सोचोगे लोडिंग करना यानी एक जगह से दूसरी जगह करना, नहीं, लोडिंग मीन्स क्या होता है, जो हमारा सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन यानी सेटल्ड कर रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को। ठीक है, बॉटम में क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को, तो वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। इस प्रोसेस को स्पीड बढ़ा दें, यानी इसकी तेजी कर दें, यानी पहले हो रहा था, सपोज करिए एक मिनट में सेटल हो रहा था, अब क्या हो, 10 मिनट में सेटल हो जाए। ठीक है, लोडिंग का काम क्या है, टाइम को क्या करता है, कम करता है, इसकी स्पीड बढ़ा देता है सेटल करने के लिए, दिस इज अ लोडिंग। क्लियर, देखिए, इट इज अ प्रोसेस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, यानी ये प्रोसेस क्या है, इंक्रीजिंग रेट, यानी रेट मीन्स टाइम पीरियड को क्या कर देता है, कम करता है, बहुत जल्दी सेटल कर देता है। ठीक है, और पार्टिकल्स बाय एडिंग सम केमिकल्स, कुछ केमिकल मिलाने के बाद
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल्स अगर आपने देखा हो कोई भी, एक मिनट, ठीक है, हमने क्या किया, सैंड मिक्स विद वाटर, ठीक है, सैंड को क्या कर दिया, वाटर में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, कुछ टाइम लगता है हमें सैंड को सेडिमेंट होने में बॉटम में। अगर इसमें हम एलम डाल दें, मिक्स कर दें, एलम एलम मिक्स कर दें वाटर में, तो क्या हुआ, तो ये वेरी फास्ट, बहुत जल्दी से क्या कर देगा, जितनी भी पार्टिकल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं उसको क्या कर देगा, सेटल कर देगा नीचे, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोडिंग। क्लियर। अब एक्टिविटी नंबर 5, टेक अ वाटर, टेक वाटर हैविंग स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ बीकर, यानी बीकर इम्प्योरिटीज भरा हुआ वाटर है, यानी वाटर में क्या है, इम्प्योरिटीज मिक्स हैं, उसमें हमने बीकर में लिया, बीकर जानते हो लाइक दिस, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया, वाटर डाल दिया, इसमें क्या है, वाटर में क्या है, वाटर में क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज मीन्स यानी जो हमारे लिए हार्मफुल है, प्लस वाटर, ये कहना है इसमें मिक्सर ऑफ इम्प्योरिटीज प्लस वाटर, ठीक, इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स जॉइन वन एनदर गेट, इसमें क्या डाल दें, एलम डाल दें, ठीक है, क्या डाल दें, मिक्स कर दें एलम, एलम क्या करेगा, जितने भी इम्प्योरिटीज पार्टिकल हैं उनको क्या करेगा, कंबाइंड बहुत जल्दी से करेगा, यानी इम्प्योरिटीज पार्टिकल्स मान लीजिए ये, तो इन्हें क्या कर देगा, अटैच कर देगा जल्दी बहुत स्पीड से, तो ये क्या हो जाएंगे, जल्दी स्पीड से अटैच होते ही बॉटम में सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, या इनके साइड में आ जाएंगे, यही हमारी एक्टिविटी नंबर 5 है। अब एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट इज अ फनल आफ्टर मेकिंग अ इट कॉन, ठीक है, कॉन कॉन शेप का होता है फनल, अभी मैंने बताया था कॉन शेप का होता है फनल, ठीक है, उसमें हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक, पोर द मिक्सर ऑफ कंटेनिंग सैंड एंड वाटर ओवर द फिल्टर पेपर यूजिंग अ ग्लास रॉड, हमने क्या किया, ग्लास रॉड्स की हेल्प से हमने सैंड प्लस वाटर डाल दिया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने ऑब्जर्व किया, इसमें क्या ऑब्जर्व किया, हमने सैंड पार्टिकल जितने भी हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, बीकर में चला जाएगा, ठीक है, वट इज लेफ्ट इन द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर पे क्या रह जाएगा, फिल्टर पेपर यहाँ जैसे सपोज करो यहाँ फिल्टर पेपर लगा है तो इस पर क्या रह जाएगा, सैंड पार्टिकल्स रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, सैंड पार्टिकल्स, और वाटर कहाँ चला जाएगा, वीकर में चला जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज वट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट इन अ वीकर, क्या पास होगा इसमें से, वाटर पास होगा, ठीक है, Have you been able to separate the mixture of sand and water? Yes. आप किस तरीके कर सकते हो, फिल्टर पेपर से कर सकते हो, सेडिमेंटेशन से करते हो, सेडिमेंटेशन में क्या हम करते हैं, जब पार्टिकल का साइज क्या हो, बड़ा हो, तो हम क्या सेडिमेंटेशन से करते हैं, और हमें क्लियरिटी करनी और सेपरेशन करना है तो हम बाय द यूज ऑफ फिल्टर पेपर यानी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ओके, फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर यूज करके यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सैंड एंड वाटर यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, यानी सैंड और वाटर को फिल्टर पेपर की यूज हेल्प से सेपरेशन करें उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट फ्रॉम लिक्विड्स बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर, यानी हम जो सॉलिड पार्टिकल्स है हमारा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या है हमारा, सैंड, लिक्विड पार्टिकल्स क्या है, वाटर, इससे हमें सेपरेट करना बाय द यूजिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन, क्लियर। द सब्सटेंस दैट रिमेन इन द फिल्टर पेपर, जो सब्सटेंस रह जाता है फिल्टर पेपर पे, ठीक है, जो फिल्टर पेपर है उसमें क्या रह गया, हमारा सैंड रह गया, सैंड क्या है हमारा, रेसिड्यू, रेसिड्यू बोलते हैं, रेसिड्यू यानी द सॉलिड पार्टिकल्स अटैच इन फिल्टर पेपर दे आर कॉल्ड अ रेसिड्यू, ओके, द सब्सटेंस दैट फ्लो थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, यानी जो वाटर हमारा जो आया फिल्टर हो गए उसे क्या बोलेंगे हम, फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट,
ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए, कैन यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर बाय फिल्ट्रेशन। यानी ऐसे दो मिक्सर को हम, दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद ईच अदर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन द्वारा दो लिक्विड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन किससे कर सकते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर, उसे हम फिल्ट्रेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपने देखे होंगे जो प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाएं, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाएं, उसे हम किस मेथड से हम यूज कर सकते हैं, किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें क्या कर दिया हमने, लिया वाटर, उसमें क्या मिला दिया हमने, सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? सॉल्ट। सॉल्ट इज अ सॉलिड पार्टिकल्स, यू नो, ठीक है। सॉल्ट को जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? प्रॉपरली डिजोल्व हो जाए हर जगह उसका सॉल्ट पार्टिकल्स, क्या हो, एक जैसे यहाँ से हम एक स्पून लें, उसमें सॉल्ट पार्टिकल जितने होंगे वही यहाँ पर होंगे, यानी सेटल नहीं होगा सॉलिड पार्टिकल्स, यानी सॉल्ट पार्टिकल्स नीचे सेट नहीं होगा क्योंकि तो प्रॉपर तरीके से ये डिजोल्व हो गया है। तो हम किस मेथड से हमें इसे सेपरेट कर सकते हैं? वाई हैंड पेकिंग? नो। थ्रेसिंग? नो। विंडोइंग? नो। सीविंग? नो। सेडिमेंटेशन? नो, क्योंकि सॉल्ट क्या है, सेडिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्रॉपरली डिजोल्व है। डिकेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। फिर आप कहोगे फिल्ट्रेशन में क्या रहेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं, बट सॉल्ट क्या है हमारा, डिजॉल्व है, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गया वाटर में। देन लास्ट आती है हमारी एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन यानी एवोपरेट मीन्स वाटर कन्वर्ट इंटू अ स्टीम या वाटर कन्वर्ट इंटू अ वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। वाटर होगा उसे क्या करेंगे, एवोपरेशन। इसे क्या करें हम, जो मिक्सर है उसे क्या कर ले हम, उसमें हीट यूज करें, ठीक है, हीट का यूज करें। इसमें जो वाटर होगा, वाटर पार्टिकल्स, वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, यानी स्टीम में या वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, सॉल्ट। क्या बचेगा लास्ट में? सॉल्ट बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं एवोपरेशन। ये जो हमारा सी वाटर होता है उसमें से हमें सॉल्ट सेपरेट करना होता है तो हम यही करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम काफ़ी लार्ज अमाउंट में वाटर को लेते हैं और बाहर रख देते हैं, जिससे क्या है, सनलाइट आती है, सनलाइट से एवोपरेट होता है वाटर और क्या होता है, सॉल्ट हमारा सेपरेट हो जाता है। इसी को बोलते हैं एवोपरेशन। क्लियर? ओके, ये आपको क्लियर है जितनी एक्टिविटीज हमने कराइए, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, लिक्विड दैट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड मिसेबल, ठीक है। जो लिक्विड्स दूसरे के साथ मिक्स प्रॉपर तरीके से हो जाता है उसे बोलते हैं मिसेबल, यानी सोल्यूबल। एक तरह का मान लीजिए मिसेबल लिक्विड्स, यानी जैसे मिसेबल लिक्विड्स का एग्जांपल दें, वाटर लें और मिल्क लें, दोनों बोथ आर लिक्विड्स। जब मिक्स करते हैं प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं फिर हम मिक्स करने के बाद वाटर को हम निकाल सकते हैं किसी भी टेक्निक से, नो, ठीक है। उसे बोलते हैं मिसेबल लिक्विड्स। ओके, लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसेबल। जो लिक्विड मिक्स ना हो उसे बोलते हैं इमिसेबल। इमिसेबल मीन्स जिस तरीके से एग्जाम्पल ऑयल और वाटर, वाटर को हम ऑयल में, ऑयल को या वाटर को मिक्स करते हैं प्रॉपर तरीके से मिसेबल नहीं होते, प्यारा इमिसेबल लिक्विड्स। क्लियर है? एक्टिविटी नंबर 7, टेक सम मस्टर्ड ऑयल इन अ बीकर, नाउ एड सम वाटर टू इट, स्टीर द मिक्सर वेल एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। क्या करेंगे हम, एक बीकर लिया हमने, क्या लिया हमने, एक बीकर, बीकर में क्या करें हम, बीकर लिया, ठीक है, इसमें क्या भर दिया, वाटर भर दिया, इसमें क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल,
ओके, मस्टर्ड ऑयल देन मिक्स वेरी वेल, यानी इसे हमने ऑयल को मिक्स किया बहुत प्रॉपर तरीके से, टेक सम टाइम, सम टाइम बाद क्या देखते हैं, टेक सम टाइम क्या होगा, हमारा जो बीकर होगा उसमें क्या होगा, ऑयल क्या आ जाएगा, अपर साइड होगा, दिस इज अ मस्टर्ड ऑयल, दिस इज अ वॉटर, ठीक है, दिस इज अ वॉटर, वाई ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल इज अ इमिसिबल लिक्विड विद वॉटर, ठीक है, इमिसिबल मीन्स मिक्स नहीं होगा, ठीक है, और हम इसका रीजन क्या है, मस्टर्ड ऑयल इज अ लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्का होता है मस्टर्ड ऑयल और इमिसिबल होता है, इसलिए क्या होता है ऊपर आ जाता है, वाटर क्या होता है हैवियर होता है मस्टर्ड ऑयल से, वो नीचे रहता है, क्लियर है। अब ये घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा ऑयल मस्टर्ड ऑयल लेना, एक ग्लास लेना, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, वाटर डालना, अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर देना, कुछ टाइम बाद देखोगे ऑयल की ड्रॉपलेट्स ऊपर आ जाएंगी और वाटर क्या होगा नीचे होगा, ठीक है। ये हमारी मेथड्स सभी क्या हुए यहाँ पर फिनिश हुए, कोई भी मेथड्स में आपको प्रॉब्लम है देन आस्क मी, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।